ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 5/8/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है शांति धाम और तीसरे तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा ही हर्षित रह सकते हो? उत्तर, सबसे पहला निश्चय चाहिए हम किसके बने हैं। बाबा का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तक पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए, हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति में सारा चक्र याद आ जाएगा। बाबा और चक्र की स्मृति में रहने वाले ही सदा हर्षित रहेंगे। हर्षित कौन रहेंगे? जो बाबा और चक्र स्वदर्शन चक्र की स्मृति में रहते हैं। गीत, किसी ने अपना बना के मुझको यूं मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। तो बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं हम कहेंगे हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का, शरीर छोड़कर फिर बाप का बनना होता है। यहाँ भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसकी भी यहाँ दरकार नहीं है। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझाते हैं, समझते हैं कि मेरी मिल्कियत का वो मालिक बना। संबंध की बात है ना, तुम बच्चे जानते हो हम वास्तव में पहले पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा है, पीछे हमको शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है ही, अब तुमको बेहद का बाप मिला है। उसने आकर के अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं है। बाबा के बच्चे बने हो यह कहते हैं, मैं कोई गुरु गोसाई आदि नहीं हूँ। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है तो जरूर बाप ही होगा। लिखते हैं ना हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ये संबंध है, माँ बाप और बच्चों का ये संबंध है। गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। आत्मा को जैसे यह अविनाशी याद है, हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के बने हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर बाप और वर्षा ही याद आएगा। तुमको कोई पुस्तक आगे नहीं पढ़ाया जाता, तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता बाप के बने हो तो अब उनको याद करो। बाबा कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितनी सहज बात है, इसमें विशाल बुद्धि होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड। और तो कुछ नहीं समझाते, सिर्फ अपने कुल की बात बतलाते हैं कि हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, 84 के चक्र में हम आते। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से तुमको छुड़ाते, बाप को याद करते रहना है। यह भी बुद्धि में है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता रहता है। उनके आदि मध्य अंत को जानने से तुम ऊंचते ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते। तुमको सदैव के लिए मैं हर्षित मुख बनाता हूँ। कितनी सहज बात है, फिर भी भूल जाते, क्या कारण है? माँ बाप तो कभी भी, माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं हैं। बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाबा को याद करते हैं, जरूर बाबा ने सुख दिया है ना। और कोई दुख देता है तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान। अरे हर जन्म में हाय हाय ही करते आए हो, अभी संगम युग में वाह वाह कह रहा है। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते, भल तुम तंदुरुस्त न भी हो, कितना भी बीमार हो तो भी सर्विस कर सकते हो। कैसे सर्विस कर सकते भाई? जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते हैं राम राम कहो, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो। क्या बोले हम? शिव बाबा को याद करें। कोई बीमार है पेशेंट, हम देखने के लिए जाते हैं तो वो पेशेंट बहुत बाबा की याद में मस्ती में है तो वो क्या कहता है? अरे बाबा बाबा है साथ में, बस सब ठीक हो जाएगा। वो खुद ही अपने को ठीक रखता है और औरों को भी बाबा का संदेश देता है। तो ये जरूर याद औरों को कराना पड़े। मरने के हालत में भी तुम यह नॉलेज और किसी को दे सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद का बाप है,
वही बरसा देंगे। सर्विस का शौक होगा ना तो मरने समय भी किसको वो ज्ञान देगा। वाह, ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहे और मुख भी बंद रहे। ये तो हॉस्पिटल में तो बहुत टाइम होता है, अनेक पेशेंट भी आते हैं या मेहमान भी आते हैं, तो वहाँ पर हम जाकर ज्ञान उनको सुना सकते हैं। टाइम बहुत होता है ना, सफल हो जाएगा टाइम। मुख से कुछ न कुछ ज्ञान निकलता रहे, कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबका रखवाला है, इसलिए शिव बाबा को याद करो। वह एक है, वर्षा भी सबको एक ही एक से ही मिलता है। लौकिक संबंध से वर्षा मेल को मिलता है, बच्चे को मिलता है, बेटी को नहीं। अभी तो मिलता है 50-50%, अभी गवर्नमेंट ने ये नियम किया है। कन्या है ही सौ ब्राह्मणों से उत्तम। पवित्र को दान दिया जाता है, तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं, वह बड़ा दान समझते हैं। वास्तव में वह कोई दान होता नहीं, दान तो अभी तुम करते हो, कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं। अभी दिव्य समर्पण हुआ था तो बाबा इन बहनों को जो समर्पित हो गई है, बहुत सुंदर उनका प्रोग्राम हुआ है माउंट आबू में, उनको बाबा बधाई दे रहे हैं, उनके माता पिता को बधाई दे रहे हैं। स्वर्ग की महारानी बनने के लिए हम शिव बाबा को हमारी बेटी कन्या का दान करते हैं, परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अपने दैवी कुल की हो ना तो समझाने से झट समझ जाएगी, सर्विसेबल भी चाहिए। छोटे बच्चों को तो यहाँ सेंटर पर नहीं संभालना है, कोई को तो समझाना बड़ा सहज है। शिव बाबा तुम्हारा बेहद का पाप है, चित्र सामने है, देखो यह ऐसा सतयुग का वर्षा पा रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला, कितनी सहज बात है। इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं, अभी नाटक पूरा होता है, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब वापस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसका हमको मालिक बनाते, आपको तरीका बतलाते हैं। बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। एक तो समझाओ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमानी को लौकिक संबंध भी याद रहेंगे, देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा। उठते बैठते चलते यह बुद्धि में रखना है मैं आत्मा हूँ, बाप की मत पर चलना है, शिव बाबा मत दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो। मेहनत करनी है, स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, बहुत थोड़े में खुश नहीं हो जाओ। भर स्वर्ग में तो जाएंगे, पर तू पक्के मातेरे बनो। मातेरा उनको कहा जाता है जो बाप दादा को याद करता है। दूसरा और कोई को याद करता है तो भगवान को छोड़ के और किसी को याद किया तो आज बाबा कह रहे सौतेला हो जाता है। बहुत है जिनको दोनों ही याद पड़ते हैं, लौकिक भी और अलौकिक भी। दूसरा कोई याद पड़ता है तो वह सौतेले, यह बाप है स्वर्ग, अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला, यह भी कूल है, वह भी कूल है, उनसे तो दुख ही मिलता है, बाकी अल्पकाल क्षणभंगुर सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जज करना है हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं, लौकिक तरफ या पारलौकिक की तरफ। बुद्धि कहती है पारलौकिक बाप के बन कर हम क्यों नहीं स्वर्ग की तरफ जाएं। लौकिक संबंध से जीते जी मरना है, पारलौकिक बाप का बनने से ही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यहाँ तो नरक के मालिक बनते हैं, अब आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ जोड़े, अपने शांतिधाम सुखधाम में जाएं या यहाँ जाएं। वास्तव में यहाँ जाए या उठना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे हैं, अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी भी नहीं छोड़ेंगे।
बाबा ने एक बार कहा था ना मुरली में, बच्चे आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कौन है, आप तो लोग क्यों अपने भाई बहनों को याद करोगे, माता पिता को याद करोगे, परिवार को याद करोगे, मेरा आपके सिवाय और कौन है। तो ऐसे प्यारे बाबा को हम भूलेंगे नहीं, उनको साथ रखेंगे हमेशा। यहाँ तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्तिधाम शांतिधाम जाएंगे। सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। बैठने से बड़ा मज़ा आएगा। अमृत वेले अब किस तरफ जाना है, नर्क की तरफ क्यों जाए, यह माया बड़ा धोखा देती है। अभी तो तुम्हारे पास यह ऑब्जेक्ट है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो इस तरफ तो दुख ही दुख है, उस तरफ एक ही जन्मों का सुख है। बाप कहते मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास तुम्हें आना है। क्यों बाबा को याद करें, क्योंकि बाबा के पास हम बच्चों को जाना है। माया कहती है दुनिया तरफ जाओ, कहाँ जाए, रास्ता तो मिला है, एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, गेट वे टू हेवन, दूसरी तरफ है नर्क में जाने का रास्ता, गेट वे टू हेल। तिवाटा होता है ना, तीन गली के बीच में, जहाँ तीन गलियाँ होती है वहाँ तीन गलियों के बीच में वो तिवाटा होता है। अब हम किस तरफ जाए, एक गली है मुक्ति की, दूसरी गली है जीवन मुक्ति की, और तीसरी गली है जीवन बंद की, नर्क की। जैसे तीन नदियों का संगम है, तीन वाटिकाएं हैं, एक वाटिका में हम हैं। तिवाटे का मिसाल बड़ा अच्छा है। अब कहाँ जाए, नर्क का तो विनाश होना है, यहाँ दुख बहुत है। अभी हम तिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे ना। दुख की गली से निकाल बाबा ने तिवाटे पर खड़ा कर दिया है। दुख धाम की गली से तुम जन्म जन्मांतर पास कर आए हो, या फिर उस गली में घुस जाते हो, देखो क्या होता है। हमारे पुराने स्वभाव संस्कार जब बाहर निकल आते हैं तो पता होता है कि भाई दुख धाम की गली पर जा रहे हैं। अब बुद्धि कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति तरफ जाए, मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। ऐसे नहीं हम पार से छूट जाए आए ही नहीं, पार से छूटना नहीं हो सकता, ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छरों सदृश मरेंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी बच्चों को जरूर देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है, जिसका पाठ भी ऐसा है, आए एक दो जन्म लिए ये गए, ऐसे भी कही है। हाँ, मिनिमम एक जन्म लेने वाली आत्मा आएगी, बस जन्म लिया, हाय हेलो किया, चली भी गई। अभी तुम तिवाटे पर खड़े हो, वह शांतिधाम वह सुखधाम। अगर शांतिधाम जाना चाहते हो तो शांतिधाम को याद करते रहो, मुक्ति को याद करना पड़े ना। पिछाड़ी वालों को मुक्तिधाम में जास्ती रहने के कारण मुक्तिधाम ही जास्ती याद पड़ेगा। तुमको जीवन मुक्तिधाम याद पड़ता, स्वर्ग में हम जल्दी जाए, वह चाहते हैं हम मुक्ति में रहें। अच्छा, शिव बाबा को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुखधाम नहीं आना चाहते, तो इसे समझ जाएंगे कि इनका पाठ सतयुग का नहीं है। तुम तो सुखधाम में जाने वाले हो, तिवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते चलो, मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा, बाबा को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं, यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद ले लेंगे। मुक्तिधाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद जरूर करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहे तो वहाँ सतयुग में शांति भी है और सुख भी है। जो जिस तरफ होना जिस तरफ का होगा उनको वर्षा लेना है। स्वर्ग का मुक्ति जीवन मुक्तिदाता तो बाप है, एक दो जन्म लेने वाले होंगे तो इसमें भी सुख देखेंगे और दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और गया, वह कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो, तुम लाइट हाउस हो, खड़े हो, ये तो तिवाटे पर है, लाइट हाउस बन करके खड़े हैं। दोनों रास्ता दिखा सकती हो, चाहे तो मुक्तिधाम चलो, चाहे जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं, कुमारियों के लिए बहुत सहज है। क्यों? क्योंकि वो उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। छोटेपन में पढ़ना बड़ा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि बड़ी अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती। तुम सब कुमारियाँ हो,
तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार। यह बातें बेहद कबाब समझाते, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। चित्र भी है, हमको ऐसा बनना है। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे, अभी यह खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधेरे में पड़े हैं, अब तुम सोजरे में हो। बाबा ने आकर नींद से जगाया है, यह बुद्धि को आत्मा को जगाया जाता है। बाबा आकर जगाते हैं, जागो, सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वो आते रहेंगे और वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो? बाबा कहते नहीं लगा सकते, बहुत बढ़ रहे हैं अभी। कोई कितना सुनते हैं, कोई थोड़ा सुन करके चले जाते हैं, हिसाब थोड़े ही निकाल सकते हैं। बड़ी माला, छोटी माला, साहूकार, प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं? वह सब बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनते, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बनना है, सब बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती है। सारे झाड़ अथवा सभी धर्मों के चक्र के बीच से कैसे टालटालियाँ, पत्ते आदि निकलते, अभी भी पत्ते निकलते रहते, वहाँ निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी, फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों लोग मरे होंगे अनगिनत, यहाँ तो कितने खलास होंगे, बाकी थोड़े सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य हैं, अन्न भी इतना नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं संगम पर, बाप समझाते बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है, हर बात में राय पूछते जाओ, हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। श्रीमद अविनाशी सर्जन से लेते जाओ, सबको अपने अपने दवाई बताएंगे, एक जैसी दवाई सबके नहीं, अपने अपने अलग है, जैसा कर्म है वैसा हिसाब किताब। समझाया जाता है ये दुनिया खलास हुई पड़ी है, अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा आए हैं नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने। अब हम आपको राय देते हैं, श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी बताते। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है, बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है, मुख से ज्ञानदान करते रहना है, पक्का मातेला बनना है अर्थात एक बाप की याद में रहना है, सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद न आए। वरदान, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है, सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है, आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। खुशी हमारी प्रत्यक्ष फल है ना, इसलिए जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती है वह उसी समय शांति और स्नेह के फल की अनुभूति करती है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो बाबा कहते हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।